बड़े जमींदारी घर के बच्चे होते हुए भी हैं, कहते कैसे जमींदारी, बोले इंद्र तुल्य ऐश्वर्य, जिनके लिए उदाहरण दिया, जिनके घर में इंद्र के जैसे बराबर जिनको कहते हैं ऐश्वर्य। कहते पत्नी कैसे, बोले जो पत्नी है कहती अवसर जैसे इसकी पत्नी, ऐसे इनको पास में धन भी जैसे और घर में पत्नी भी जैसे है। लेकिन इतना कुछ रहते हुए भी यदि इसकी जो वस्तु कहते जे चैतन्य जे पातु ताकि के राखी के द्वार, मतलब अगर भगवान के प्रेम में एक बार कोई दीवाना बने, कहते जगत का जितने ऐश्वर्य जगत का जितना बंधन है और सब के सब अपने आप कुछ हो जाता है। इसलिए बोले भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्य, पहले विरक्ति नहीं पहले भक्ति है। अगर कोई सोचे पहले हम ये सब माया मानवता सब कुछ छोड़ देते, बोले नहीं, बोले परम दृष्टा निवर्तन्ते, जब तक हमको कोई हायर टेस्ट नहीं मिले ना, हम नीचे का टेस्ट हम छोड़ नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि माया है, अनित्य है, ये बंधन का कारण है, ये भक्ति की प्रतिकूल वस्तु है, ये सब काम हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन सब जानते हुए भी वो एक ज्ञान रूप में है, एक ज्ञान रूप में, लेकिन हम जीवन में आचरण नहीं ला पाते। क्यों? कारण है कि हमें कोई हायर टेस्ट नहीं मिला। जैसे कोई व्यक्ति अगर गुड़ खाए, उसको पूछा जाए सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सा है, गुड़, लेकिन जिसको रसगुल्ला लेटी मिली चमचम और मिला वो बोलेगा गुड़ को जितनी चीज होता है बेकार है, लेकिन हायर टेस्ट मिले तभी तो नया टेस्ट जाएगा। इसलिए पहले व्यक्ति, उसके बाद में परेशान हो, फिर उसको भगवत अनुभूति और जो विरक्ति है वो तृतीय स्टेज में विरक्ति, तभी ये है, तभी माया के प्रति हमारी विरक्ति आ सकती है। लेकिन उसको पहले भले जितने शास्त्र ग्रंथ पढ़ लो, माया को छोड़ पड़ गई, इतने भगवत किए। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने कैसे सबको जो छोड़ छाड़ करके उनकी शादी करवा दी गई, शादी के बाद वो भी पत्नी को तरफ में एक बार झांक कर देखे गई, पत्नी को तरफ है, पत्नी को तरफ झांक करके नहीं देखी, और उन्होंने कितना बहाना बना करके उन्होंने सब कुछ छोड़ करके श्री मन चैतन्य महाप्रभु के पास में पहुंचे। जब महाप्रभु के पास में पहुंचे तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, महाप्रभु कहते हैं तुम्हारे ऊपर में कृष्ण का विशेष कृपा है। तो महाप्रभु का भी जो विषय है ये एक विष्टा है, महाप्रभु कहते कृष्ण की तुम्हारे ऊपर में कोई विशेष कृपा है, तभी तुमने ये विषय रूपी विष्टा को तुमने त्याग दिया। ऐसे महाप्रभु कहते ये विष्टा सभी के लिए विषय है, इसलिए भगवान की तुम्हारी कृपा है जो तुमने सब छोड़ करके ये भजन करने दिया। इसका मतलब महाप्रभु कहते हैं जो व्यक्ति ये संसार की सारी वस्तुओं को त्याग देकर के आते हैं ना, ये कोई साधारण वस्तु नहीं। अब पता होगा मैया पिता की कितना स्नेह, बहन की कितना प्रेम, भाई का कितना प्रेम, इसको है तो पता होगा। लेकिन ये सारे इसलिए हमारे बंगला में बताया कुटी जन्मेर थाकिले भाग्य हर विषय धारी है वैराग्य। कहते करोड़ों करोड़ जन्म का कोई अगर पुण्य उदय हो तभी ये विषय को कोई छोड़ सकते हैं, तो ये विषय छोड़ना बड़ा कठिन है। और फिर जब महाप्रभु दास में आए तो महाप्रभु ने इनको श्री स्वरूप धाम दर प्रचार में समर्पण कर दिया। आज से ये स्वरूप धाम दर तुमको देखभाल गए यही देखेगा तुम, अभी स्वरूप धाम दर के अनुदर्शन लिए रह रहे हैं, और स्वरूप श्री जो गोविंद महाप्रभु का जो भक्त था, जब महाप्रभु प्रसाद पाते हैं उनका जो अध्यात्म जो प्रसाद है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को ये दिया करते। एक दिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इन्होंने बोले मैं महाप्रभु आपके जो मुखारविंद है ना, मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, डायरेक्ट उपदेश प्राप्त करना चाहता हूँ।
चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा देखो तुमको तो हमने स्वर्ग दामोदर को पास में दे दिया, वो हमसे ज्यादा जानता है, वो हमसे ज्यादा जानता है। उन्होंने बोला तब भी मैं चाहता हूँ आपकी डायरी के रूप में आपकी मुखार बिंद से कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। जब ऐसे बोले तब उन्होंने महाप्रभु ने अपना मुखार बिंद से मतलब चार लाइन उन्होंने महाप्रभु बताए, चार लाइन बताई महाप्रभु का अपना मुखार बिंद से। क्या चार लाइन इसको याद है? इसको याद है चार लाइन क्या है? इसको चार लाइन क्या है? महाप्रभु जो डायरेक्ट चार लाइन को हत्या कर, इसलिए इसमें बताए भालना खाई गए हार भालना पड़ गए, ग्राम्य कथा ना बोलिए ग्राम्य कथा ना सुनिए, भालना खाई गए और भालना पड़ गए, अमानी मानद हरिया ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस करे। महाप्रभु का मुखार बिंद से ये चार लाइन, ये ऐसे चार लाइन है जिसमें सारे वेद पुराण उपनिषद जितने सारे शास्त्र का जो सार है, अगर ये चार लाइन कोई पाठ करे ज्यादा कुछ गलत कर जाए बोला आप तुम महाप्रभु किसको उपदेश दे रहे हैं? श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को ये उपदेश दे रहे हैं कि महाप्रभु का डायरेक्ट उसे पानी है, बस केवल ये चार लाइन पाठ कर दो वह भगवत प्राप्त हो जाए। केवल ये चार लाइन मतलब इतने महत्वपूर्ण है। क्या चार लाइन है? बोले ग्राम्य कथा ना सुन गए ग्राम्य वार्ता ना कर, मतलब भगवान की कथा छोड़ करके कोई बात सुनना नहीं और कोई बात बोलना नहीं। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी। क्या जानते हो भक्तिमन ठाकुर कहते हैं यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो कृष्ण नाम लय के हाथ। अगर कोई दूसरा का निंदा चर्चा होना एक दीवानी जैसे हजार दीवार हो जाना है, अगर वहां भी अगर कोई बैठ करके कोई इसका चुगली करता होगा ना यहाँ से पता चल जाएगा भैया वहां कुछ हो रहा है, वहां कुछ बात हो रही है। अब देखना धीरे 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 वहां पर हम भी सुना है ये बात, हम भी जानते हैं, मैं भी सुना। लेकिन वकील साहब कहते हैं अगर कोई दूसरी बात हो ना आटिया साटिया का पूरा इनाम भी हमारे आ जाते हैं। अगर इसकी निंदा चुगली कर जहाँ कृष्ण कथा की बात भजन का भाई ना बोले भैया तकिया तो नहीं जा रहे हैं, हमारे अंदर में ही इतने बड़ी की जाति है, इतने बड़ी हमारी जाति है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं केवल इतनी बात को ना दांत लगा दो, भगवान की कथा छोड़ करके कोई बात सुने में नहीं और कोई बात हम बोले में नहीं। इसलिए श्री चैतन्य चैतन्य बताए बोले अनिंदु को हरिया सक्रिय कृष्ण बोले, बोले अजय चैतन्य शैली तारी देते हैं। बड़े दो लाइन में कह रहे हैं महाप्रभु अजय है जिनको प्राप्त करना बड़ा कठिन है लेकिन उनको भी तुम जीत सकते हो। बोले कैसे? बोले अनिंदु को हरिया सक्रिय कृष्ण बोले अगर कोई व्यक्ति इसकी निंदा चर्चा कभी नहीं करते, कभी सुनते भी नहीं, कभी बोलते भी नहीं, अगर जो अनिंदु भैया अगर एक बार कोई अगर कृष्ण बोल देना अजय चैतन्य सही भारी कहले जिन महाप्रभु का प्राप्त करना बड़ा कठिन है लेकिन आप उनको प्राप्त कर लो, आप उनको प्राप्त कर लो। इसलिए चैतन्य भागवत में तुम बताए जो दूसरा का जो निंदा जो चुगली है ना जब निंदा चुगली दूसरे का है ना ये बहुत बड़ी व्याधि है, हमारी बहुत बड़ी व्याधि है, बहुत बड़ी व्याधि है। इसलिए एक चीज को दांत बांध लो और कभी कभी मन करे ना ये निंदा करते करते करके वैष्णव का निंदा कर देना, ये निंदा करते करते कि हम वैष्णव का भी निंदा कर करते आते हैं, करते करते वैष्णव निंदा कर पाते हैं। हम बोलेंगे हम थोड़ी छूट बोल रहे उन्होंने कैसे किया, हम थोड़ी छूट बोल रहे हैं, हम थोड़ी थोड़ी उन्होंने ऐसे किया, इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ऊपर दी गई,
उसका क्या दायित्व तुम्हारे ऊपर दी गई हो दायित्व तुमको उसकी निंदा चुगली करना पड़ेगा क्या तुम्हारे ऊपर दायित्व दी गई अब तुमने जो चीज देखे वो क्या सही है इसलिए श्रीमद भगवत गीता में कहते हैं ना अभिचेत शुद्राचारो भजन मां अन्य भाग बोले साध प्रेम संबंध सम्यक व्यवस्थित इसलिए अभिचेत शुद्राचार कृष्ण कहते हैं अगर कोई दुराचार नहीं बोले सुदुराचार बोले शुद्राचार विश्वनाथ गुरु हम कहते हैं शुद्राचार मतलब है कोई साधु स्त्री संगी हो गया शुद्राचार मतलब कहते हैं कोई साधु कोई स्त्री संगी हो गया बोले तब भी कहते हैं तब भी तुम निंदा उसकी मत किया करो उसका कौन चर्चा कर सकते हैं हाँ वही कर सकते हैं उनको जो सुधारना उनको ऊपर में कृपा करके जो उनको सुधारना चाहते हैं वो उसको ऊपर कुछ बोल सकते तुम्हारी ऊपर कोई आरोप नहीं है सुधारने वाले बोल सकते जैसे गुरुदेव है कैसे सीनियर वैष्णव है वो ये बात बता सकते क्यों वो उनका कल्याण चाहते लेकिन हम उनका कल्याण नहीं चाहते हम तो काम करना चाहते मतलब भी बोलना नहीं बात इसको गांठ बांध दो इसको गांठ बांध दो अपना कपड़े में आज से कभी भी किसी दूसरे वैष्णव का नाम करें यहाँ पर कहते हैं साधारण जो जीव है उनको तो करनी नहीं चाहिए और अगर वैष्णव का आदर करते बहुत बड़ा पाप है बहुत बड़ा पाप है और वैष्णव अगर निंदा कर दिया ना फिर भक्ति का हमारी भक्ति माफ दे रहे हैं पूरा भक्ति लता चर समेत उखाड़ करके वो फेंक देता है भक्ति लता को ये बदवाला हाथी जैसे इसलिए महाप्रभु कहते हैं एक जो गांठ बांध लो आज से हम कभी भी कोई वैष्णव कुछ गलती करने पर भी क्योंकि हम उसको सुधारने वाले नहीं कुछ जो वैष्णव को करेंगे हम नहीं बोलेंगे कभी भी किसी वैष्णव की निंदा करना नहीं और निंदा सुनना इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्राह्मण कथा ना बोली दे और ब्राह्मण कथा ना सुन दे यही एक लाइन है बोले भालना खाई दे और भालना पड़ी दे कहते बढ़िया बढ़िया चीज मत पहनो और बढ़िया बढ़िया चीज खाओ भी मत है क्योंकि अगर बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे फिर शीशा में 10 बार खड़े हो तो हम कैसे लग रहे हैं बढ़िया लग रहे हैं पर जो रोड में चलेंगे ना और देख आज इतने बढ़िया साड़ी और इतना बढ़िया कपड़े पहन कोई देख रहा है कि नहीं आज जो इतने बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन है तुम्हारा ध्यान किधर जाएगी फिर ध्यान भजन में नहीं फिर ध्यान हमारी दूसरी चीज में जाएगी इसलिए कहते हैं भालना पही दे और भालना खाई दे कहते बढ़िया बढ़िया चीज खाओ भी मत गुरुदेव बोल रहे थे एक बड़ी ब्रह्मचारी था तो कुछ दिन गोविंदा तक उनके मंदिर के पास में रहे गुरुदेव बोल रहे हमारे बच्चे तक नारायण गोस्वामी था कोई एक ब्रह्मचारी था उसने गोविंदा तक मंदिर के पास में रहे अब देखें गोविंदा देव का ना बड़े प्योर की लग मिलता है अब वहाँ पर देखना रोज रोज लोग बांटते रहते हैं बांटते रहते अभी कुछ दिन लड्डू मटू खा गए ना और हेल्थ बढ़िया हेल्थ और जब बढ़िया हेल्थ है ना देखो हम भजन से तो मुक्त तो हुए ही नहीं हम तो शरीर निवास करते फिर क्या होगा शरीर में काम पासना चाहिए शरीर में काम पासना चाहिए अब उसका हृदय में शादी करने की इच्छा है शादी करके अब जब शादी करने की इच्छा है गुरुदेव बोल रहे थे उन्होंने गुरुदेव को पास में आए तो गुरुदेव हमें इच्छा हो रही हम शादी करने की वहाँ पर रहे और लड्डू फल्डू खाए और खा करके शरीर बहुत हेल्थी हो गया अब चाहते हम शादी करना है शादी करना चाहते तो गुरुदेव बड़े डांट लगाए हैं डांट लगा करके बोले उसको स्थान को छोड़ो लेकिन हम लोग सोचते ना प्रसाद सेवा करता है सकल प्रबंध जय प्रसाद सेवा करने से सारी इंद्रिय जय हो जाता है लेकिन हम तो रोज प्रसाद पाते हैं लेकिन हमारी इंद्रिय जय क्यों नहीं होता है प्रसाद पा करके फिर हमारे शरीर में इतनी कामना वासना मेरे को आता है प्रसाद सेवा करता है सकल प्रपंच जाए लेकिन हमारे अंदर भी इतनी फिर कामना वासना की बात नहीं संसार करने का भोग क्यों जाती बल्कि कारण है देखना महाप्रसाद महाप्रसाद खाने से पहले कहते ना साधु सावधान हे कलयुग कर अवधान
साधुओं को सावधान कर देते, सावधान ठहर कहीं पुनर्वार हम बोल रहे हैं कर्म अवधान। अवधान मतलब ज्ञान पूर्वक सुना। बोले क्या? बोले महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्म में वैष्णव है स्वल्प पुण्य प्रकांड राजन विश्वास। बोले चार चीज के प्रति जिसका अल्प पुण्य है उसका प्रति उसका विश्वास नहीं होता, वो विश्वास नहीं हो पाता उस चीज का प्रति। इसलिए जब प्रसाद सेवा में ना इसलिए दुनिया में ऐसे नहीं मेरे गुरुदेव करते, मेरे गुरुदेव करने आए और बैठे और खाने लगते। हमारे गुरुदेव बोले नहीं, जब तक प्रसाद का जयध्वनि नहीं होना प्रसाद नहीं सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले प्रसाद में जयध्वनि दो, क्योंकि अगर जयध्वनि नहीं दोगे तुमको लगेगा ना जैसे साधारण दाल भात चावल खाते हैं ऐसे हम दाल भात चावल खा रहे हैं, फिर तो वो शरीर में ना प्रजाकर संसार की वासना शुरू होगा। अगर प्रसाद बुद्धि से, इसलिए प्रसाद को सेवा कहते हैं, खाना नहीं कहते, प्रसाद को सेवा कहते हैं। खाना नहीं, खाना मतलब तो भोग है, ये प्रसाद सेवा है। साक्षात जिसकी को स्वयं कृष्ण सेवा किए, कृष्ण को बाद में राधा रानी प्रसाद पाए, उसको बाद में ललिता विशाखा पाए, उसको बाद में रूप मंजरी रक्ति मंजरी जिस प्रसाद को पाए, उसको बाद में कमल मंजरी पाए, उसको बाद में नयन मंजरी पाए, उसको बाद में विनोद मंजरी पाए, उसको बाद में श्री रमण मंजरी पाए। अब वो प्रसाद हमारे पास ना आ रहे, वो प्रसाद हमारे पास, हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं जो हमें प्रसाद प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रसाद का मतलब भोग बुद्धि नहीं, ये प्रसाद सेवा। अगर सचमुच से कोई प्रसाद को सेवा बुद्धि से ग्रहण करना, सेवा बुद्धि से एक महाराज बोल रहे थे, कोई वैष्णव था, वो वैष्णव ना प्रसाद का कोई चीज फेंकता नहीं, कभी नहीं फेंकेगा। यहाँ तक भी हाँ वो वैष्णव अब सजना का सजना सजना करने लगे, तो सजना सजना डांगा जो होता है ना लकड़ी जैसे, वहाँ तक भी वो साधु उसको भी अब ना उसको खा कर कुछ का हम उसको फेंक देते हैं। वो साधु है वहाँ उसको कभी नहीं फेंकता था, उसको भी नहीं फेंकता था, उसको चिबा 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 करके उसको भी निकल जाता। क्यों? ये प्रसाद भगवान का, ये प्रसाद है, ये प्रसाद को भगवान जिसको खाए, साधारण ललिता भी सकते नहीं खाए, पर वो चीज को हम फेंक ही सकते हैं। मतलब इतने प्रसाद एक समय मथुरा में भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज और इमली कला के जिन्होंने प्रकाश किया, वो जब हमारे भक्ति प्रकाश नारायण गोस्वामी महाराज मथुरा में रहते थे हैं, उसी समय वृंदावन में गौरी मठ इतना नहीं करते, बस एक गौरी हाथ उसको प्रभुपाद ने स्थापन किया, एक आदमी था। लेकिन अक्सर करके जो प्रभुपाद की जो गण थी जब आते थे वो सबसे सब पहले मथुरा में केशव जी गौरी मठ में आते, सबसे पहले वही आ करके फिर जिसको जिधर जाना उधर जाते थे, और जिन जिनों का मठ सही सही नहीं था वो तो वहीं से बड़े आते थे। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जब आए तब उनको प्रसाद दिया, उनको प्रसाद दिया, हाथी लगा करके चावल दाल सब्जी प्रसाद दिया। जब प्रसाद दिया हमारे एक पूज्य बिहारी प्रभु थे, वो मिल करते थे, हम लोग कुछ नहीं देखे, वो भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज का पूज्य बिहारी प्रभु, वो मिल करके लोग थे। लेकिन उनको ना चटपट अच्छा लगता, उनका चाहे चटपट अच्छी लगती है। अभी तब पूज्य बिहारी प्रभु इंचार्ज थे, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज प्रसाद पा रहे थे, जब पा रहे थे इतने में उनको तो चक्रपत अच्छे लगते, जब वो प्रसाद दाल में नमक कम है, सब्जी में मिर्ची ठीक से नहीं दिया, उन्होंने ऐसे ऐसे बोल रहे थे। इतने में श्री भक्ति देखो प्रसाद का कैसे बुद्धि होनी चाहिए, इतने में भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज बोले, बोले तुम प्रसाद पा रहे हैं ना होटल में खाना खा रहे, बोले तुम प्रसाद पा रहा है ना होटल में खाना खा रहे हो, हाँ देखो ये प्रसाद को स्वयं कृष्ण ने ग्रहण किया, राधा रानी ललिता विशाखा गुरु गर्जन के प्रसाद को स्वीकार किया, उसको बाद में ये प्रसाद हमारा पास में आए। इसलिए कि साधारण वस्तु नहीं, इसको साधारण वस्तु मत समझो, दाल भात खा रहे हो प्रसाद आप पा रहे हैं,
इसीलिए देखना हमारी दूसरे दूसरे संप्रदाय में जगन्नाथ पुरी नारायण उनका जैसे खाना बनेगा बाकी का बात ना वो कभी टेस्ट नहीं करते क्योंकि भगवान के लिए मैंने बताया ना भगवान के लिए इसलिए वो कभी भी टेस्ट नहीं करते जैसे बना भोग लगाते हैं लेकिन हमारी संप्रदाय में हम लोग जब खाना बन जाती है ना हम थोड़ी सी हाथ में लेकर के थोड़ी सी ज़्यादा नहीं ऐसे टेस्ट इसलिए बड़ा खाना खाते हैं इसलिए हम लोग क्या करते हैं एक बूंद हाथ में लेते हैं हाथ में लेकर के हम उसको टेस्ट करते हैं कितने नमक है कितने मिर्च है सब हो या नहीं फिर अगर कम हो फिर उसमें डालते हैं बोले क्यों बोला भगवान की वजह से भगवान को लगेगा उनको जैसे कमी नहीं हो नमकीन नमक मिर्च जैसे उनको बढ़िया तरस लगे इसी भाव से हम टेस्ट करते ऐसे नहीं टेस्ट करते हुए ज़्यादा दिया लगभग खा लिया देखो नियम है जब टेस्ट करते हैं केवल उसको जीभ में लगानी चाहिए थोड़ी सी इतना लेनी चाहिए फिर क्या करनी चाहिए मुंह में पानी लेकर ना तो ऐसे नहीं बढ़िया कर लो खा लो इसलिए मेरे को फिर बोल रहे थे बोले कुछ साधु आ रहे थे देखा कुछ साधु पहले जो थे वो भूत बन के बैठे थे बन जाने वो भूत बने तो वो साधु किसी आ रहे थे देखा पहले जो मर चुके पहले वो लोग बैठे थे तब उनको पास में गए बोले तुम लोग तो पहले मर चुके यहाँ क्या कर रहे हो बोले हम लोग भूत बन गए वो कह रहे हैं हम भूत बन गए बोले भूत क्यों बन गए बोले इसलिए जब भगवान के लिए कोई खाना बनता था ना हम उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट का बहाना करके बस वो खा लेते इसलिए खा लेते थे इसलिए हमको ये भूत बनना पड़ा इसलिए किसी विषय में बड़ा सावधान रहनी चाहिए इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि देखिए भालना खाइबे और भालना पड़ीबे हाँ भालना खाइबे बढ़िया बढ़िया खाना नहीं और बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं और क्या करना बोले प्रजे अमानी मान दो भैया कृष्ण नाम सदा लवे देखो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात एक शब्द में महापुरुष बात कह रहे हैं बोले अमानी मानद सदा भैया मतलब स्वयं मान की इच्छा नहीं रखना हमें कोई बढ़िया बोले हमारी कोई प्रशंसा कर बोले नहीं कभी 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 जो अपना प्रशंसा सुनता है ना वो मरने का बराबर उसको बताया कभी भी अरे मैंने कैसे किया ऐसे किया ना देखा क्या आपने बताया क्या लेक्चर दिया हमने क्या किया क्या बोले नहीं कभी जो अपना प्रशंसा सुनते हैं कभी ये मरने का बराबर है जो अपना प्रशंसा सुनते हैं इसलिए अमानी मानद हरिया और सबको क्या करना बोले जीवे सम्मान जीवे ज्ञानी कृष्ण अधिष्ठा बोले हर जीवों को सम्मान देना बोले क्यों सम्मान देना बोले ज्ञानी कृष्ण अधिष्ठान क्या हर जीव के अंदर में भगवान का निवास है इसलिए सब जीव को सम्मान देनी चाहिए कभी अपना सम्मान की भूखा नहीं रहना और क्या करना बोले सदा नाम लिखो देखो ये चीज सब जितने बात है ना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण की बात बोले सदा नाम लिखे इसलिए आप जैन धर्म सुने होंगे जैन धर्म में वहां पर जो ब्रजनाथ और बाबा जी महाराज का डिस्कशन होता है कहते हैं कहते जो अपराध छोड़ कर कल सुन रहे थे कौन कनिष्ठ वैष्णव कौन मध्यम और कौन उत्तम इसका पहचान कैसे कहते जो जितने शुद्ध रूप में नाम अपराध को छोड़ करके जो जितने शुद्ध रूप में हरि नाम लेते हैं कहते वो उतना बड़ा वैष्णव है इसलिए निर्भर करता है लाभ करता हूँ दो लाख करता हूँ पांच लाख करता हूँ इसका महत्व नहीं महत्व है कौन कितना शुद्ध रूप में अपराध रहित तो होकर के कौन कितना हरिनाम करता है ये मेन वस्तु है अपराध छोड़ करके हरिनाम कर वो उतना बड़ा वैष्णव है तो वहां पर बताया गया दस तर का नामा अपराध तो दस तर का नामा अपराध में अगर हम एकदम केयरफुल हो जाए हम किसी तरह का कोई नाम अपराध नहीं करेंगे किसी तरह का नामा अपराध नहीं करके और शुद्ध रूप में हरिनाम करेंगे बल्कि जो नौ तरह का जो अपराध है अगर जीव चाहे वो नौ तरह का अपराध को छोड़ सकता है लेकिन उसमें जो एक अपराध है ये एक अपराध को छोड़
कितना बड़ा कठिन, कौन सा अपराध कहते हैं? नौ तरह का जो अपराध है, दस तरह का अपराध है। कहते अगर हम कोशिश करेंगे हम अपराध रहित तो होकर हरिनाम करें, कहते नौ तरह का अपराध को छोड़ सकता है, लेकिन जो एक जो अपराध है ये एक अपराध को छोड़ना बहुत कठिन। तो कौन सा अपराध है? कहते ये जो अपराध है ना, ये शरीर के प्रति में और ये जो मेरा है, कहते ये जो चीज है जब तक शरीर में तुम्हारी आवेश रहेगा, ये जो मैं और जो मेरा है, कहते ये चीज को छोड़ना सबसे बड़ा कठिन। और जो नौ तरह का अपराध है, पूर्व बनिया वैष्णव निंदा है सबसे शास्त्र निंदा, कहते ये जितनी जितना अपराध उसको छोड़ सकता है, लेकिन ये शरीर के प्रति में और मेरा नहीं बोल सकता। फिर बोले थे आप बोलते हो आप ये मैं मेरा छोड़ नहीं सकते हैं, फिर होगा कैसे? उसका उपाय क्या बताया? उपाय क्या है? क्या उपाय उसका है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उसका ये उपाय है, अगर कोई कंटिन्यू हर समय अगर कोई हरिनाम ग्रहण करता है 24 घंटा में 24 घंटा, जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शयन है, कि भोजन है, कि बात जागरण है, आहार निश्चित चिंता कृष्ण बोलन भजन। इसलिए महाप्रभु कहते क्या शयन है, कि शयन जागरण है, चलते उठते बैठते हरिनाम कर सकता हूँ। कहते कि शयन है, जब सो तब हरिनाम करो, बोले सोते समय तो हमको बेहोश हो जाते हैं, सोते समय तो हमारा ध्यान नहीं रहता, कभी सोते समय हरिनाम कैसे करेंगे? तब वो कहते हैं अगर आप लोग देखा दिन भर जो जो काम करते हो ना, रात में सोते समय वही सोचना, स्वप्न वही आती है। इसलिए गोस्वामी लोगों को देखो बलचारी करते सुखी था के स्वप्न राधा गोविंद देखे, 24 घंटा भजन करते हैं, थोड़ी समय जो सोते चार घंटे सोते हैं वो स्वप्न में भी राधा कृष्ण को स्वप्न देते हैं। क्यों? जो हम करेंगे और सोते समय भी हमारी वही चीज याद आएगी, वही चीज है। इसलिए स्वप्न समय में भी हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सोते समय में भी हरिनाम करते रहोगे है। इसलिए यहाँ पर एक महाप्रभु कहते हैं सदा कृष्ण नाम ही, हर समय अगर कोई कृष्ण नाम ले तो अपराध सारे अपराध से युक्त हो गए, सारे अपराध। क्यों? तुम्हारे अंदर में समय नहीं है, ये मैं मेरा जो पहनना शरीर प्रति तुम्हारी समय नहीं रहेगा, तुम्हारी टाइम नहीं रहेगा, शरीर में और मेरे प्रति ये जो आसक्ति छोटा। इसलिए सबसे सर्व बात क्या है, हर समय हरिनाम करना, हाथों में जो करो ठाकुर का सेवा करते हैं, बस ये चीज को डांट डाल सकते हो। हम हर समय 24 घंटा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इतना चीज अगर कोई अपना जीवन में बांध लेना, बस आप इसी जीवन में भी भगवान प्राप्त हो, इसी जीवन में ही हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। इतने चीज अगर जो दान दिया तो देखो। और एक चीज बोले जिस समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास में आए वो तो बहुत बड़े धनी का बेटा, जब उनको पता चला मेरा बेटा बहुत, तो उन्होंने कोशिश किया बेटे को बारंबार ले आने की, बहुत बार कोशिश किया, लेकिन जब नित्यानंद प्रभु की उनको पर कृपा हुई, जो उन्होंने वैष्णव सेवा चीड़ा दही महोत्सव जब उन्हें करवाए, फिर नित्यानंद प्रभु का सत्र तैयार करके और उनको आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने बहाना बना करके अपने पुजारी को ढूंढने जा रहा हूँ, बहाना बना कर पूरी चले गए। जब पूरी चले गए पिताजी को पता चला मेरा बेटा चला गया और वापस नहीं आएगा, फिर उनसे एक ब्राह्मण जो खाना बनाएगा और उन्हें दो सेवक भेज दिया, क्योंकि इतने बड़े घर का बेटा था, अगर एक जगह से दूसरे जगह जाए ना
घोड़े के पीठ के ऊपर बैठ कर जाते थे, कभी नहीं जाते थे। उनको हर समय उनका स्नान कराने के लिए लोग, खाने खाना खिलाने के लिए लोग, सब के लिए उन लोग थे, और सबको छोड़ कर मैं हो गया। तो उन्होंने पिताजी 400 रुपया दे दिया, 400 रुपया 400 मुद्रा उन्हें दे दिया। तब उन्होंने कुछ दिन के लिए तो उन्होंने ग्रहण किया। महाप्रभु को भी निमंत्रण देते थे कभी कभी, महाप्रभु उसको स्वीकार करते थे, लेकिन महाप्रभु हृदय से उस चीज को स्वीकार हृदय से नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? बोले तुमने सब कुछ छोड़ करके भजन करने के लिए आयो वृंदावन। देखो साधकों के लिए ना ये बहुत बड़ी शिक्षा, हमें साधक कैसे करनी चाहिए। बोले उन्होंने सब कुछ छोड़ करके, सारी रात पार सब छोड़ करके भजन करने के लिए आए। जब भजन करने के लिए आते हैं तब छह तरह का शरणागति, कितने तरह का, क्या क्या छह तरह का शरणागति, बोलो क्या क्या शरणागति छह तरह का, बोलो क्या क्या तय करेगा, बोलो आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से विवर्जन, रक्षी सती विश्वास, गुप्त से वर्णन तथा आत्मनिखेप कार्पण्य शरणागति, ये छह तरह का शरणागति। उसमें जो दो तरह का शरणागति है कहते हैं गुप्त से वर्णन तथा, मतलब है भगवान संपूर्ण रूप में मेरे को पालन करेंगे। कहते इनको ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान में जरूर पालन करेंगे और भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे, ये हमारी विश्वास होने चाहिए भगवान में करें। इसलिए लेकिन उन्होंने पैसा पिताजी के पैसा लेकर खा रहे। अगर कोई व्यक्ति सोचे हम क्या करें बैंक में पैसा रख ले, पता नहीं कोई सोचते ना भविष्य में पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, खाना मिलेगा कि नहीं है, अगर मंदिर से निकाल दिया तो फिर हम कैसे खाएंगे खाना, हमारा जीवन कौन देखेगा, इसलिए हम क्या करें, इसलिए बैंक में कुछ पैसा रख दे और उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट से हम खाएंगे पिएंगे और बस्ते से रहेंगे। इसलिए किसके ऊपर हमें कोई निर्भर करने का जरूरत नहीं है, निर्भर करने का जरूरत नहीं। कभी किसके लिए, कभी त्यागियों के लिए बता रहे, गृहस्थ लोगों के लिए से बात नहीं है, गृहस्थ लोग पर जमा करो पैसा और उसका इंटरेस्ट है खाएंगे, ये तो गृहस्थ लोगों के लिए। लेकिन जो त्यागी है ना, जो त्यागी साधु है, इनके लिए रघुनाथ दास गोस्वामी इनके लिए आदर्श रख रहे हैं, इनके लिए आदर्श है। इन्होंने क्यों ये जो लीला की है, महाप्रभु हैं महाप्रभु ग्रहण करते थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ दिन बाद हमें ये रुपया पैसा की जरूरत नहीं, खैर उन्होंने कैसे खाए कितने फिर क्या करते थे, बोले सीधा दरवाजा में खड़े होकर के वहीं पर रहते थे। वहां पर नियम है जब आनंद बाजार में मंदिर के अंदर में जहाँ महाप्रसाद बिकता है, जब वो प्रसाद बिकता नहीं था वो क्या करते थे, जो बाहर जो दुखी दरिद्र रहते थे उन्होंने उनको ला करके देते थे। तो उन्होंने इसी रूप में उन्होंने ग्रहण किया। जब ग्रहण किया तब महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर को, अभी रघुनाथ क्या कर रहा है, बोले ऐसे ऐसे ग्रहण करता है। महाप्रभु ने कही वेश्यावृत्ति, ये वेश्यावृत्ति है, कहते वेश्यावृत्ति क्यों, कहते इसको वेश्यावृत्ति क्यों बता रहे, बुरा बता इसको वेश्यावृत्ति क्यों बताए, जो बहुत जोर से बोलते इसलिए मतलब जो वेश्या है ना वो क्या करती है, वो स्थल धज करके वो बैठ रहती है, वो देखती है कोई एक व्यक्ति दूर से आ रहा है ना, वो सोचती है जरूर ये मेरे पास में आ रहा है, जरूर कुछ पैसा दे कर जाएगा। लेकिन देखा वो तो आया, वो व्यक्ति सामने होते हुए चला गया, वो चला गया सामने होते हुए, फिर देखती है और कोई आए, फिर देखता है नहीं और एक व्यक्ति आ रहा है, कहती तो जरूर कुछ दे करके जाएगा, लेकिन वो भी आकर कुछ दिया नहीं, वो भी चला गया है, वो भी चला गया। कहते उसी तरह जब इसमें भजन का हानि है, बोले क्यों भैया, जब अब व्यक्ति आएगा फिर हमें देगा
फेंक कर खाना खाएंगे। मतलब हमारा जो विश्वास है ना, ये भगवान के प्रति विश्वास नहीं। हम जो भजन कर रहे हैं, भगवान जब चिट्ठी से लेकर के हाथी तक सबको पालन करते हैं, क्या हम भगवान की भजन कर रहे हैं? क्या भगवान हमें पालन नहीं करेंगे? ठाकुर क्या हमें पालन नहीं करेंगे? इसलिए जो भक्त का है ना, पूर्ण रूप में विश्वास रहता है भगवान को। जैसे श्री माधव हैं, माधव त्रिपुरी जब बैठ करके भजन कर रहे थे, कृष्ण स्वयं वहां पर आए और उनको दूध देकर गए। स्वयं कृष्ण आकर दूध देकर गए, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जब माधवेंद्रपुर ने पूछा तेरे को कैसे पता चला कि यहाँ पर भजन कर रहा हूँ, तो दूध कैसे लेकर के आए हैं? तो उन्होंने कहा, देखो मेरे ये ब्रज में ना कोई भूखे नहीं रहते, ब्रज में कोई भूखे नहीं रहते, कोई माखन खाते हैं, नहीं तो जो नहीं खाते हैं ना, मैं स्वयं जाकर उनको स्वयं में खिलाता हूँ, मैं स्वयं उनको खाना खिलाता हूँ। बाबा इसको खा लो पी लो, मैं गैया चराने जा रहा हूँ, आते समय ना फिर पात्र को मैं लेकर जाऊँगा। इसलिए उनको पूर्ण विश्वास रहता है भगवान के ऊपर में, भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे और भगवान जरूर हमें पालन करेंगे। इसलिए बोली ये वैसा कृति है, क्योंकि तुम स्वस्थ रहे, हमको व्यक्ति आए क्या देगा खाए, हमको व्यक्ति दिया नहीं देते रहते, बोले जिसमें केवल भजन का नष्ट है, केवल समय नष्ट है, फिर उनको भी त्याग दे दिया। त्याग दे करके उन्होंने क्या किए, जहाँ पर जो चावल बिकता नहीं एक दो दिन बाद जो चावल खराब हो जाता है, जिसको फेंक देते हैं उसको, फिर उन्होंने वहाँ जा करके उसको उठा करके धोधा करके और उसका अंदर जो चावल होता है ना, जो सीधा नहीं होता है, बस उसको सारा नमक डाल कर खा लेते हैं। स्वर्ग दामोदर ने ये चीज़ को देखा, देख करके महाप्रभु को बताया, रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे ऐसे जीविका निर्वाह कर रहे हैं, अरे महाप्रभु स्वयं वहाँ पर आए और आ करके, अरे तुम इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ खा रहे हो, तुम अकेले अकेले खा रहे हो और मेरे को नहीं दे रहे हो, अरे महाप्रभु उसको क्या क्या महाप्रभु ने, अरे एक बार महाप्रभु ने खाए, जब दो बार खाए, जब तीसरी बार खाने जा रहे थे ना, उनका हाथ प्रभु पकड़ लिया, बोले प्रभु ये आपका खाना ये आपके नहीं है। लेकिन महाप्रभु ने ना बड़े गोस्वामी लड़कियों बोले महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान और जहाँ देखी पूछता है गौर नारायण, कहते महाप्रभु का जितने भक्त है ना उनके अंदर में वैराग्य मूल वस्तु है, उनके अंदर में वैराग्य मूल वस्तु। कहते कौन सा वैराग्य, बोले वैराग्य दो तरह से वैराग्य होती है, बोले वैराग्य मतलब होता है जैसे महापुरुष ने बताए बढ़िया खाना नहीं और बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना नहीं, क्योंकि वो सब चीज पहनने पर तुम्हारे जो मन है वो विषय का प्रति दौड़ेगा, हम कैसे बढ़िया पहने, बढ़िया साड़ी बढ़िया कपड़ा पहने, इतने सुंदर कोई देख रहा है, वो मन तुम्हारे विषय में जाएगा है, फिर तुम्हारे भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए वैराग्य मतलब होता है वैराग्य, इसलिए बोले रघुनाथ है वैराग्य पाशानाते रेखा, वहाँ पर बताया कि वैराग्य कैसे, बोले पाशानाते रेखा, जैसे पाषाण मतलब पत्थर के ऊपर में जैसे किसी लकड़ी से जैसे खींच करके जैसे उसमें एक दाग हो जाता है, इनकी जो वैराग्य इतने ठोस इनकी वैराग्य है, हाँ इतने वैराग्य कभी भी उन्होंने ये जीवा के लिए कोई स्वाद जो चीज बनते ना, आज बढ़िया जुप्त वैराग्य करके शरीर के लिए जितने जरूरत है भजन होगा, जितने जरूरत है जब उतना ग्रहण करके बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भजन करते हैं। फिर जब वृंदावन में आते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु वृंदावन में भेजे, एक है उसको एक साल एक गिरिराज शिला गुंजा मान दिया, जिसको सिर्फ संतरा करने के लिए कहा, बोले ये गुंजा वाला नहीं, ये राधा है, ये स्वरूप है, ये गिरिराज शिला नहीं है, कृष्ण है।
जाओ, तुम जिसको दो चीजें महाप्रभु दिए कभी आपको आंसुओं से स्नान कराया करते थे, उनको खाजा भोग लगाया करते थे, बड़े प्रेम पूर्वक करते थे। फिर जब से राधा कुंड में उन्होंने भजन करते थे, राधा कुंड में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है विलाप पुष्पांजलि। ग्रंथ का नाम विलाप पुष्पांजलि। कभी जो महाप्रभु जो विलाप पुष्पांजलि में किया है, कभी जो महाप्रभु इसी जगत में जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते, हर कलयुग में नहीं आते, ब्रह्मा का एक दिन एक बार, मतलब जब 1000 चतुर्युग बीत जाती है, 1000 चतुर्युग बीतने पर अरे महाप्रभु जगत में एक बार आकर के वो जो दुर्लभ प्रेम है, जो अनर्पित चरित्रा जो प्रेम है, जो ब्रज भक्ति और राधा रानी की जो निकुंज की जो सेवा है ना, वो तभी देते, वो तभी ये प्रेम को देते। इसलिए ये कलयुग को साधारण कलयुग नहीं, ये कलयुग को धन्य कलयुग बताया गया है, धन्य कलयुग। इसलिए कितना तेजाब के जाति जगाई भव सिंधु पार धन्य कलयुगे चैतन्य अवतार, धन्य कलयुगे। और ये कलयुग ऐसे है ना, कलयुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते, लेकिन इसी कलयुग में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। बोले सत्य त्रेता और द्वापर युग, सत्य युग तृतीय युग कहते हैं जो धर्मचार करते थे, और त्रेता युग राम राज्य कहते हैं हाँ, जहाँ पर कोई दुखी नहीं थे, और द्वापर युग में कृष्ण राज्य जहाँ पर धर्मचार चरण में रहता था। लेकिन उसी युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते थे, क्यों? बल्कि कलयुग में भी चैतन्य महाप्रभु आएंगे, और चैतन्य महाप्रभु आकर के जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद जो प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे महाप्रभु वो दुर्लभ प्रेम को उन्होंने सबको प्रदान करें, ये दुर्लभ प्रेम प्रदान करें। इसलिए कहते हैं वो दुर्लभ प्रेम है क्या, जिसको कहते मंजिल भाव कहते हैं, कभी ये दुर्लभ प्रेम है क्या थी महाप्रभु। हम कहते हैं ना, हम अपना गुरुदेव कहते हैं क्या कहते हैं, रूपानु व आचार्य वैद्य, रूपानु व आचार्य वैद्य कहते हैं। लेकिन ये रूपानु में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य वैद्य कौन है, वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है। इसलिए महाप्रभु क्या करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ को रखा, वो अद्भुत ग्रंथ है, उसका नाम है विलाप कुसुमांजलि। विलाप रोना, कुसुम मतलब का एक फूल, अंजलि मतलब हाथों में, जैसे हम फूल लेकर के ठाकुर जी के चरण में देते हैं ना, कहते उन्होंने उनका एक एक श्लोक को एक एक फूल रूप में राधा रानी के चरण में, कहते एक एक फूल को उन्होंने एक एक भाव को एक एक फूल रूप में रख करके हाथों में लेकर के राधा रानी के चरण में उन्होंने प्रदान किया। जिस ग्रंथ में ये दुर्लभ प्रेम के बारे में, ये ब्रज प्रेम के बारे में जिस चीज को जहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है, अद्भुत ये गुलाब पुष्पांजलि ग्रंथ है। इसलिए ये मंजरी भाव ने क्या थी वो ग्रंथ में विशेष पूर्वक वर्णन किया। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और पानी, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में रहते थे, यहाँ पर उत्तम प्रभु है, उत्तम प्रभु है, उत्तम महाराज पीछे है, इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में रहते थे, जहाँ पर बैठ कर राधा कुंड से आम थोड़ा बीच में जब भजन करते थे, राधा रानी स्वयं आकर के उनका सर ऊपर कपड़े से छाया करते थे, जहाँ पर बाघ भी आकर जहाँ पानी भी आ करते थे, इसलिए उनकी अद्भुत अद्भुत लीला थी। रघुनाथ दास गोस्वामी साधक और सिद्ध, साधक और सिद्ध, ये दोनों के लिए उनका जो चरित्र है ना वो अद्भुत है। साधक के लिए तो उन्होंने ऐसे एक चीज उन्होंने अपना जीवन में आचरण करके सिखा दिया, एक अगर सच्चा साधक बनना चाहते हो, हमें कैसे कि सच्चा निर्मल साधक कैसे बनना चाहिए, उनके आदर्श अपूर्व है। और सिद्ध रूप में उन्होंने उनका जो ग्रंथावली में जैसे मुक्ता मुक्ता चरित्र उन्होंने लिखे, अद्भुत ग्रंथ मुक्ता चरित्र है, और उन्होंने पद्यावली उसमें इतने सुंदर सुंदर चीज लिखी हमारे, हाँ।
जी हमारे से उत्तम प्रभु जी अभी थोड़ी सी प्रकाश डाले थे श्री उत्तम महाराज।